राजधानी रांची में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रयास से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में खून देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बाहर कई दलाल ऐसे सक्रिय हैं जो खून के कारोबार में शामिल हैं। यह दलाल भोले भाले लोगों से खून के बदले मोटी रकम वसूलते हैं। ताजा मामला बिहार से आए व्यक्ति से एक यूनिट खून के बदले 3500 रुपए लेने की बात सामने आई है। बुलेट के लिए जब वहाँ पे गया तो बोला यहाँ पे नहीं है सर, सेवा सदन हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ से बुलेट मिल जाएगा। हम लोग वहाँ से आए तो हम लोग यहाँ के बारे में मालूम नहीं था, हम लोग रांची में पहली बार आए हैं तो हम लोग का मालूम नहीं है। तो इसी से बात हुआ है इसे एक इंसान से, हाँ तो उसको बात की सर चलाएं तो वो बोला सर मैं काम करा देगा, सब कुछ पैसे उसे लगेगा, जल्दी हो जाएगा, हाँ 3500 रुपया। तो बोला कि ठीक है सर मैं डोनेट देगा तो पैसा उसे लगेगा, डोनेट दे करा देता हूँ मैं अपना बुलेट देगा से बोला। जिस व्यक्ति को खून दिया गया था उसे बताया गया रांची के सेवा सदन से खून मिला है, लेकिन जब सेवा सदन में मौजूद कर्मचारियों ने व्यक्ति से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति को सेवा सदन ने जरूरत और इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए खून दिया था वो दरअसल दलाल थे। सेवा सदन के ब्लड बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीर कैद हो गई है, जिसके आधार पर सेवा सदन प्रबंधन आरोपी की तलाश कर रही है। यही तो अभी तक जागरूकता की कमी है कि ब्लड के लिए कभी भी पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लोग फंस जा रहे हैं दलाल के चक्कर में। रिम्स और आसपास के हमारे यहाँ भी अब लोग दलाल लोग आने लग गए हैं, ये हमको भी नहीं मालूम था। हाँ सीसीटीवी में फिर जब मेरे को याद आया तो मैंने फुटेज दिखाकर इनसे पूछा कि यही आदमी थे, तो बोले हाँ। आइए सबसे बड़ी बात है कि जिनको इन्होंने ब्लड लेने भेजा था ये जानते भी नहीं है कि वो मैंने कि कौन आदमी है, ऐसे ही ये पैसे दे दिए हैं और ब्लड लेने के लिए भेज दिए हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों से ये आग्रह है कि कृपया मैंने ब्लड के लिए पैसे ना दें। न्यूज 11 में पहले भी खून के कारोबारियों पर खबर को दिखाई गई थी, अब फिर से रिम्स के बाहर खून का कारोबार शुरू हो गया है। जरूरत है ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने की, ताकि गरीबों को मुफ्त में ब्लड मिल सके। रांची से न्यूज 11 के लिए इमरान।